तो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक अपकमिंग लॉन्च डिवाइस के बारे में जो आएगा मोटरोला की तरफ से। और आप सभी को ऑलरेडी पता है, हम सभी को पता है, मोटरोला काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिवाइसेस लॉन्च कर रही है। और इसी सीरीज के अंदर एक नया डिवाइस मोटरोला की तरफ से लॉन्च होने वाला है April 3 को, और उसका नाम है मोटरोला एज 50 प्रो। ये मोटरोला की एज सीरीज जो आजकल चल रही है ना भाई, बहुत किलर परफॉर्म कर रही है। चाहे वो एज 40 हो, एज 40 नियो हो, उसके बाद एज 30 भी आई थी इनकी, बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी इसके डिवाइसेस आपको मिलते हैं। इसी सीरीज के अंदर मोटरोला एज 50 यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, फ्लिपकार्ट के लॉन्च पेज पे यहाँ पर आ चुका है। तो बात करेंगे इसी डिवाइस के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस डिवाइस के अंदर तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेना। तो बिना किसी देर वीडियो को शुरू करते हैं, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। यहाँ पर ये आप ये देख सकते हो, ये है इसका प्रोडक्ट पेज मोटरोला का, और एज 50 प्रो यहाँ पर आ चुका है इनके प्रोडक्ट पेज पे, होम पेज पे यहाँ पर शो हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा इसकी और डिटेल्स आपको चैनल पे मिलेंगी, और इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। अब देखो इस पेज पे स्पेशली लिखा हुआ मोटरोला एज 50 प्रो इंटेलिजेंट मीट्स आर्ट। यहाँ पर इन्होंने क्यों बोला है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्वालकॉम की तरफ से AI पावर्ड चिपसेट इसके अंदर डाला गया है। हालांकि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का कोई भी चिपसेट नहीं है इसके अंदर, ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है इस फोन की। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये है लॉन्च इवेंट इसका होने वाला 3 April 12 noon को। कोशिश करूंगा कि इसका लाइव लॉन्च इवेंट कवर करें और आप सभी के साथ शेयर करें। उसके बाद देखो अनलॉक द वर्ल्ड वेयर इंटेलिजेंस मीट्स आर्ट, इसके बारे में और डिटेल्स यहां पर अनलॉक होने वाली हैं। 22 मार्च को इसके अंदर और लॉन्च हो चुका है, और उसके बाद 27 मार्च को होगा, 31 मार्च को होगा। तो बने रहो चैनल के साथ, अपडेट्स आती रहेंगी। इसके अंदर क्या खास है, वो मेन चीज है, क्यों ये स्टैंड आउट होने वाला है अपने बजट सेगमेंट के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला है वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। अब यहाँ पर AI पावर्ड क्यों है, अंदर स्पेशल फीचर आने वाला है कि जैसे ही आप किसी की भी फोटो खींचोगे तो वो उसकी स्किन टोन से मैच करता हुआ सारा जो सीन है वो क्रिएट करने वाला है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट 1.5K 144Hz ट्रू कलर डिस्प्ले। अब ये वर्ल्ड फर्स्ट बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, और डिस्प्ले यहाँ पर मोटरोला की काफ़ी तगड़ी आ रही है इस टाइम। उसके बाद है सिलिकॉन वीगन लेदर विद प्रिसीजन कट मेटल फ्रेम। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको सुपीरियर, मतलब प्रीमियम से भी ऊपर सुपीरियर इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और उसके बाद इसके अंदर आपको और क्या क्या मिल रहा है वो मैं आप सभी का शेयर कर रहा हूँ। वर्ल्ड फर्स्ट IP68 विद 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग तो मिल ही रही है, साथ में 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 विद 125 वॉट चार्जिंग स्पीड, 125 वॉट चार्जिंग स्पीड आ रही है इसके अंदर। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, ट्रू बिलियन कलर 3D कर्व डिस्प्ले। हम सभी को पता है मोटरोला एज सीरीज के अंदर कर्व डिस्प्ले लेकर आता है, तो ये भी कर्व ही है 1.5K 144Hz पे। उसके अलावा यहाँ पर 6.7 इंच का इसका स्क्रीन साइज रहने वाला, POLED डिस्प्ले है, और उसके बाद 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, HDR10+ मिलेगा। डिस्प्ले आपको बिल्कुल प्रीमियम लेवल की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद है हैंडक्राफ्ट विद हारमोनियस यहाँ पर बिल्ड है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। ब्यूटीफुल पर्ल फिनिश, हैंडक्राफ्ट इन इटली। IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन मिल रही है। ये सैमसंग के बाद मेरे को लगता है पहला ब्रांड है जो ऑफिशियली IP68 वाटरप्रूफ की यहाँ प्रमोट करता है अपने फोन्स के अंदर। कैमरा यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा है, कैमरा सेटअप यहाँ पर मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। अगर मैं पिछले 1-1.5 साल से रिकॉर्ड देख लूँ अदर फोन्स का, कि वही पुराना घिसा पिटा कैमरा सेटअप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट है। 50 megapixel का OIS कैमरा आपको मिल रहा है, प्लस 10 megapixel का टेलीफोटो मिल रहा है, 30x तक का आप इसके अंदर जूम कर सकते हो। उसके अलावा 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है, रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। उसके अलावा फ्रंट में आपको 50 megapixel का ऑटो फोकस वाला कैमरा मिल रहा है, जो देखो
टेलीफोटो OIS कैमरा विद 30x हाइब्रिड जूम, मैंने आपको पहले बता दिया था ये आपको मिल ही रहा है। और सेगमेंट फर्स्ट 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल रहा है विद ऑटो फोकस, ये भी एक अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आपको यहाँ पर मिलेगा, और इसके अंदर जो आपको UI मिल रही है हेलो UI है, पता नहीं कौन सी है, एंड्रॉयड 14 पर है। उसके अलावा ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये 3 साल का अश्योर्ड OS अपग्रेड आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि आपको 3 OS यहाँ पर मिल सकते हैं मेजर। एंड्रॉयड 14 पे तो आई गई, 15, 16, 17 ये 3 OS आपको इसके अंदर अपडेट मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर वाइज भी आपको ये एक फ्यूचर प्रूफ फोन मिलता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर मैंने जस्ट गूगल करा था अब कि देखूं जरा इसका क्या प्राइस आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज तो नहीं है, दैट मीन्स कि 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसे, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर 50,000 से ऊपर ही जस्टिफाई कर पाता है, 50,000 से नीचे नहीं। तो यहां पर मैंने जस्ट गूगल करा था तो मेरे को इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आया, यहां पर आप देख सकते हो, उसके अंदर जो उन्होंने प्रेडिक्ट कराया वो अंडर 35,000 कराया। अगर ये अंडर 35,000 आ जाता है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये फोन क्लियरली बीट कर देगा रेडमी की 13 सीरीज का 13 प्रो प्लस को, और उसके अलावा रियलमी की 12 प्रो प्लस वाले डिवाइस को भी क्लियरली यहां पर ये किल कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स तो देखो भाई 3 अप्रैल तक ही पता लगेगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि मोटोरोला का एज 50 प्रो यहां पर मार्केट के अंदर आने वाला है, और जैसी इसकी स्पेसिफिकेशन आ रही है, जैसे इसकी डिटेल्स आई है निकलकर, उससे यहां पर क्लियरली लग रहा है कि ये फोन मार्केट को अपने सेगमेंट में बिल्कुल रूल करने वाला है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर शेयर करना, और बने रहो चैनल के साथ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, वहां पर अपडेट आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।